हेलो 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 गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो मैंने पास के विलेज से दो विलेजर्स को उठा करके ले आया है, जिसकी ब्रीडिंग करा करके हम लोग काफ़ी सारे विलेजर बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग के रेल के ट्रैक्स देख रहे होंगे, ये मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाई है। मतलब इस ट्रैक को बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ी। मुझे कम से कम 5 से 6 स्टैक्स ऑफ आयरन लगे और काफ़ी सारे गोल्ड भी लगे। तो मैं बहुत दूर से इसे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं माइनिंग करके लाया था उसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत डायमंड्स भी मिल गए थे। मैं वाइल लेवल -54 या 59 पे माइन कर रहा था, तो मुझे गोल्ड मिले काफ़ी सारे, जिससे मैंने पावर ड्रिल्स बनाए, रेडस्टोन मिले और ये काफ़ी सारे स्टोन्स भी मिले, मतलब डिस्लेट के स्टोन। और हम लोग इससे सबसे इस डायमंड से सबसे पहले बना लेते हैं एक डायमंड की एक्स बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि हम लोग आज वुड को कट करने वाले हैं, जिससे हम लोग बनाने वाले हैं काफ़ी सारी बेड को और इन विलेजर को देने वाले हैं सोने के लिए। हम लोग इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हम लोग थोड़ी बहुत स्टोन को लेकर के यहाँ पर विलेजर्स को थोड़ी सी कवर कर देता हूँ, ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज आके इन विलेजर्स को मार ना सके। बहुत मेहनत लगी है आने के लिए, ये जल्दी से आ नहीं रहे थे नल्ले विलेजर्स। गाइस, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम है 15 लाइक्स, तो जल्दी से करवा दो। और जो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नहीं किए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। और विलेजर, तू भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है भैया, विलेजर ने भी ठीक है बोल दिया। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग भी जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में एंड तक बने रहना। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और हम लोग जाते हैं सबसे पहले वुड को कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कितना बड़ा रेलवे लाइन यहाँ पे बना दिया है, जिससे मैं उस नल्ले विलेजर्स को लेकर यहाँ पे आ रहा था। वो जल्दी से आ ही नहीं रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करके उसे लाया हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर जंगलों में पहुँच चुके हैं और हम लोग वुड को कट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी वुड दिख रहे हैं, मैं सारे के सारे को तो नहीं, बस थोड़ी सी तो लेकर जाऊँगा ही। और हम लोग यहाँ पर वुड को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, अभी रात होने वाली थी, तो मैं जल्दी से जा करके सो कर आ गया हूँ। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वुड को कलेक्ट कर लिया है और अब मैं चलता हूँ अपनी फिर से घर की तरफ। और घर जा करके हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक छोटा सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और आप लोग नेक्स्ट गेम क्या खेलूँ सजेस्ट ज़रूर करना। और अगले एपिसोड के माइनक्राफ्ट में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं आयरन फार्म, जिससे हमारी आयरन की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। और विलेजर ट्रेडिंग हॉल को मैं छोटा सा ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा विलेजर की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग ट्रेडिंग हॉल को और बड़ा कर लेंगे। और मुझे जो भी डायमंड्स मिली है, मैं उससे आर्मर अगले के अगले एपिसोड में बनाने वाला हूँ। तो ये सर्वाइवल सीरीज़ काफ़ी रोचक होने वाली है, तो ये सर्वाइवल सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें और लाइक भी करें। और मैंने सोचा था कि माइनक्राफ्ट में ब्लॉक्स बनाया जाए, और तो बनाऊंगा अभी नहीं, मतलब 1-2 महीने के बाद। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा। गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने घर पहुँचने के बाद में। अपने घर पहुँचने पर मैं आपको आगे का सीन दिखाऊँगा। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने घर के पास। और यहाँ पे मैंने ऑफलाइन वीट फार्म और सीप फार्म को बिल्ड कर दिया है, जिससे हम लोग काफ़ी सारे ब्रेड और वूल को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी जो वीट फार्म और सीप फार्म जो थी, मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के, मतलब पिछले वाले सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाया था, इसीलिए मैंने सोचा कि
हर बार आपको दिखा करके आपको बोर ना किया जाए। तो हम लोग अब अपना ट्रेडिंग हॉल का काम करना शुरू करते हैं। हम लोगों को इतने सारे चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉबल स्टोन, डिप स्लेट, कॉबल डिप स्लेट मैंने ले लिया है। गाइस मेरा आज गला थोड़ा ख़राब है, इसीलिए आपको आवाज़ में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम दिख सकती है, तो इसके लिए सॉरी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना जो है उसको बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो गाइस मुझे एक अभी उड़ती हुई चिड़िया ने अटैक कर दिया यार। लगता है मुझे अभी घर जाकर सोना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी डेड हूँ, मेरी अभी डेथ निश्चित है यहाँ पर। और यहाँ पे फिर से लगता है मेरे पर वार होने वाला है, और जल्दी जल्दी जाओ, एक बार और वार हो गया जी। और जल्दी से हम लोग अपने घर की तरफ को चलते हैं और घर जाकर सो लेते हैं। इधर पे एक ज़ॉम्बीज है, हम लोग ज़ॉम्बीज से बात नहीं करने वाले अभी। और ये लैग भी अभी इतना ही हो रहा है यार, मैं क्या करूँ, लैग की तो ऐसी की तैसी। जल्दी चलना, जल्दी चल। यहाँ पे मैंने इस डोर को क्लोज करके लगा दिया है, और हम लोग यहाँ पे आकर के पहले तो सो लेते हैं। तो गाइस मैं आपको मिलूंगा और ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद सरप्राइजली आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसा ट्रेडिंग हॉल को बनाया है। और एक बार मैं आपको बाहर की दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अभी ये बारिश रुक चुकी है, मैं आपको अपनी वर्ल्ड की बाहरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ एक बार। जल्दी से मैं बाहर आ जाता हूँ और इस डोर को बंद करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। और गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मैं एक ट्रेडिंग हॉल को बना दिया है, मतलब बिल्कुल छोटा सा ही ट्रेडिंग हॉल है, जो मेरे वर्ल्ड के हिसाब से तो ठीक ही है। और मैं इन विलेजर्स को ब्रेड दे दिया है खाने के लिए। और आप लोग यहाँ देख सकते हो पीछे में लाल लाल हार्ट्स निकल रहे हैं, मतलब ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। और एक बेबी विलेजर्स अभी तुरंत आने ही वाला है, तो जल्दी से वेट करते हैं बेबी विलेजर के आने का। बेबी विलेजर जल्दी से आने ही वाला है। और ये आ गया है एक बेबी विलेजर, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा। ये देखो कोने में जो आपको दिख रहा है वो है बेबी विलेजर। और ये लोग तो अपना काम करते रहेंगे, और आप लोग अपना काम करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज की वीडियो को लाइक करना 15 लाइक्स जल्दी से करवा दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और आज का चैलेंज है जल्दी से 190 सब्सक्राइबर कराना, तो जल्दी से करा दो और दिखा दो अपना टैलेंट। और मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।